हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किरण्स किचन में। मैं हूँ किरण और आज मैं आप सबके सामने जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है बिल्कुल बहुत ही रस वाला, जिसे हम कर सकते हैं रस मलाई। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का रस मलाई। ब्रेड की रस मलाई बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखिए, चार ब्रेड लिया है, चार चार ब्रेड का ये जो चारों साइड का है पार्ट, उसको हम काट के हटा देंगे। उसके बाद मैंने ये 1/2 लीटर दूध लिया है रबड़ी बनाने के लिए, और इलायची पाउडर, क्रश किया हुआ ये ड्राई फ्रूट्स, ये केसर है, और ये मलाई है हल्का सा दूध मिला हुआ, और ये है हमारा कंडेंस्ड मिल्क। तो चलिए हम देखते हैं कि ये फिर ब्रेड रस मलाई कैसे बनाते हैं। ब्रेड रस मलाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस वाले चारों साइड से इसे कट करके हटाना है। देखिए मैंने साइड से कट के हटा दिया है। अब इसे छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में तोड़ ले। क्रश कर ले हाथों से। इसमें हम ये हमने जी लिया है ना क्रीम मलाई, इसे इसमें डाल के अच्छे से मिलाएं। सॉफ्ट डोटे तैयार करते हैं और डालो। इसका पूरा हम यूज कर लेते हैं। जो हमने मलाई लिया है बिल्कुल इसे अच्छे से हाथों से मैश करें और एक सॉफ्ट डो बनाए। मेरा ये सॉफ्ट डो बनके तैयार है। आप इसे छोटे छोटे शेप में ऐसे बॉल बना के ऐसे तलत्ती पे ऐसे दबाएं। इस पर रखते जाए, अब अपने हिसाब से शेप बनाए। हार्ट शेप बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप भी बना सकते हैं। इस पर रखते हैं, मैंने देखिए ये सारे ऐसे बिल्कुल राउंड शेप में बना लिए हैं। अब मैं इसका रबड़ी तैयार करती हूँ। रबड़ी तैयार करने के लिए चलिए हम देखते हैं क्या करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैंने जो ये 1/2 लीटर दूध लिया था इसे हम डाल देंगे। अब इसका खोलने तक का वेट करेंगे, तो उबाल जब तक इसमें नहीं आएगा तब तक इसे देखेंगे। देखिए इसमें उबाल आ रहा है,
इसमें उबाला रहा है तब इसमें हम कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। और थोड़ा सा मीडियम को लो कर लेते हैं। ये मैंने घर में खुद से बनाया है कंडेंस मिल्क। आप अगर इसका रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखिए, मैंने इस पर इसकी रेसिपी डाली हुई है कि कैसे कंडेंस मिल्क तैयार करते हैं। इसे अच्छे से मिलाइए। उसे थोड़ा सा दूध को थोड़ा सा सूखने का वेट करें और थोड़ा सा फ्लेम को लो मीडियम पे कर ले। जब तक ये दूध गाढ़ा नहीं हो जाए अच्छे से तब तक इसको ऐसे ही चलाते रहें। ध्यान रहे कि ये नीचे नीचे से लगे नहीं, नीचे से जले नहीं। आप इसे लगातार हर दो दो एक एक मिनट में से चलाते रहें। दूध हमारा बहुत ही कम रह गया है और इसमें आप इलायची पाउडर मिला है और इसे चलाएं। अभी थोड़ा सा गाढ़ा होना है और रबड़ी बिल्कुल थोड़ा सा से और गाढ़ी दूध में बनेगा रबड़ी अच्छे से। और थोड़ा सा इसमें आप केसर डालते सेफ्रॉन। सेफ्रॉन डालने से कलर में थोड़ा सा चेंजेस आता है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालें और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को मैंने गार्निश करने के लिए भी रखा है। अब इसे लगातार चलाते रहें और थोड़ा ठीक होने दे दूध को। हमारा ये बिल्कुल रबड़ी बनके रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती क्योंकि अगर ये और भी इससे ज़्यादा ठीक होगा तो सूखने के बाद भी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ही सही बना है। मैं इसे अब गैस को ऑफ करती हूँ और फिर इसे एक प्लेट में निकालती हूँ। देखिए मैंने एक प्लेट में इसे निकाला है। अब इसे हम ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा गार्निश करते हैं। थोड़ा सा चाहे तो आप इस पर केसर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये मेरा ब्रेड का रसमलाई बिल्कुल बनके रेडी है। देखने में कितना ही यम्मी और टेस्टी लग रहा है। ये डिज़र्ट बहुत ही यम्मी होता है खाने में, बिल्कुल मलाई मलाई वाला जो होता है बिल्कुल मलाई जैसा ही लगता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और फिर तब तक मैं अपना नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करूँगी और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ आप लोग से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।